मैं वैद्य नरेंद्र गुजराती जलगांव में प्रैक्टिस करता हूँ। 1987 से लेकर के जलगांव में केवल और केवल आयुर्वेद की प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करता हूँ। शॉर्ट में आपको मैं थोड़ा मेरा परिचय बता दूँ। इमड़ी आयुर्वेद जामनगर से किया शल्य तंत्र में, और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के अंतर्गत 2009 से लेकर के राष्ट्रीय आयुर्वेद के गुरु के पद पर मैं कार्यभार संभाल रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद के क्षेत्र में 3 इंडिविजुअल पेटेंट जो है मेरे नाम पे हो चुके हैं। सबसे पहले ACAP मध्य प्रदेश के जितने भी सारे सदस्यगण है, वैद्यगण है, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर ACAP के अध्यक्ष सिवनी के रहवासी डहरवाल तथा जो सेक्रेटरी है भोपाल निवासी वर्मा गौरव, बड़वानी से यादव सुहास यादव, खरगोन से संदीप राणे और छिंदवाड़ा से श्रीमान पाल जी और रजनीश आलोनकर, जबलपुर से वैद्य श्रीवास्तव कमलेश गुप्ता तथा उज्जैन से वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी, बहुत सारे वैद्य जो है अधिकांश रूप से प्रभा आयुर्वेद से जुड़ने के नाते मैं सबसे तो सुपरिचित हूँ, किंतु यह माध्यम एक बड़ा अच्छा माध्यम है कि जिसके जरिए अपना ज्ञान एक दूसरे को बांट सकते हैं हम लोग। और ज्ञान बांटने के बाद में मुख्यतः प्रभा आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य जो है इदम प्रत्यक्ष फल दर्शना, प्रत्यक्ष रूप में रुग्णों की चिकित्सा करना। और कितनी विविधता होती है सारी चिकित्सा करने में हम सभी लोग जानते हैं। परम आदरणीय गुरुवर्य नाना को आज ये मेरा जो है लेक्चर ये मैं समर्पित करता हूँ। उनसे जो भी कुछ सीखा हूँ मैं आपके सामने कुछ हेतुओं के बारे में बातें रखूँगा। सबसे बड़ी चिकित्सा करते समय महत्व की बात यह है, सभी लोग चिकित्सा करते हैं, औषधि देते हैं, पंचकर्म करते हैं, शल्य कर्म करते हैं, सारे उपक्रम करते हैं, सभी लोगों को बड़ा उसमें फलदायी ऐसे चिकित्सा उपक्रम भी मिलते हैं और उसका अच्छा सा लाभ भी मिलता है। किंतु एक विशेषता यह है हेतु के बारे में, जब मिस्टर डहरवाल जी जो हमेशा मुझे बात करते थे कि सर आप ये हेतु ढूंढने का जो आपका जो प्रयास है वो बड़ा सराहनीय है, हम क्यों ना ये हेतु के बारे में ही हम सभी लोगों को अवगत करें। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ कि हेतु कैसे ढूंढना है। और हेतु ढूंढना यह एक कला है मित्रों। हेतु के बारे में यदि हम वर्गीकरण करें तो प्रमुख दो हेतु होते हैं, एक तो होता है सन्निकृष्ट हेतु और दूसरा होता है विप्रकृष्ट हेतु। हम अधिकतः शास्त्र के अभ्यंतर न जाते हुए प्रैक्टिकल में तौर पर हम हेतु को कैसे ढूंढना यह बड़ा जिक्र का काम है। कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ पेशेंट्स को आपके सामने रखूंगा जिसके जरिए ये हेतु कैसे ढूंढना चाहिए इसका आपको ज्ञान प्राप्त होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोई भी मरीज आता है तो अपनी जो बातें क्या करता रखता क्या है, तो अपनी बातें यह रखता है कि सर मुझे इतने दिन से तकलीफ है, यह तकलीफ है, 3 साल से 4 साल से मैं इधर उधर घूम रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलता। मित्रों आपको मैं एक प्रैक्टिस के दौरान आपको एक बात बता दूं कि हेतु ढूंढने में
इतना मजा आता है, और मजा इसलिए लेना चाहिए हेतु ढूंढने का, क्योंकि जब कोई भी रुग्ण 10-12-15 डॉक्टर घूम करके आपके पास में आता है, तो समझ लेना है कि केवल और केवल आपको हेतु ढूंढने का प्रयास करना है। यदि आप हेतु ढूंढने का प्रयास करते हैं तो आपको फल, जो फलश्रुति है वो अच्छी मिलती है, आपको बड़ा लाभ भी मिलता है, और साथ में आप जो हेतु ढूंढते हैं वो हेतु ढूंढने का एक, तो उसको अधिकतम करता हूँ कि हेतुआनंद यह मिलता है, हेतु ढूंढने का आनंद मिलता है। उसका एक मैं एक प्रश्न एक जो है पहले से शुरुआत करूँगा आपको कि एक रुग्ण जो था वो कंप्लेन यह कर रहा था, डॉक्टर साहब मैं 18-19 डॉक्टर तो घूम के आया हूँ लेकिन मेरा सीने का दर्द कुछ बंद नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सीने का दर्द नहीं हो रहा और साथ बंद नहीं हो रहा उसका, और साथ में सारे कार्डियोलॉजिस्ट हो चुके हैं, जब कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाता है तो पहले से वो काम यह करता है कि वो अपना ECG निकालेगा, फिर स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए बोलेगा, सारे रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी सीने का दर्द बंद नहीं हो रहा है। एक वो जो, तो सबसे पहले हमको हेतु ढूंढने में सबसे पहले यह देखना है कि उसका काम क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय को आपको ढूंढना चाहिए। तो व्यवसाय के अंदर के व्यवसाय से निगड़ित बहुत सारे हेतु उसमें रहते हैं, कई बार वो व्यवसाय के साथ में उनकी आदतें क्या है इसको भी हमें ढूंढना पड़ता है। एक विनय जोशी करके एक पेशेंट था, अमलनेर से प्रोफेसर था, ही वॉज HOD ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट। अब करीब करीब मुझे पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में मुझे खुद ही मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मुझे खुद को ही, तब जा कर के मैं ढूंढने का प्रयत्न किया तो उनको ये बताया आपको सीने का दर्द हो रहा है कब होता है, तो बोले कभी भी होता है। तो हेतु ढूंढने के साथ में हम लोग ने, मैंने जो है उनको पूछा कि भाई आप सुबह कितने बजे उठते हो, कभी भी कोई भी रुग्ण को हेतु ढूंढना है तो कितने दिन से तकलीफ है इसको पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में उनको उनसे यह जानना चाहिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हो वहाँ से लेकर के रात को सोते हुए तब तक आप क्या क्या चीज़ें करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपका व्यवहार क्या है एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। पूरा ये चिकित्सा शास्त्र के अंदर जब हेतु ढूंढेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तब उस वो जो प्रोफेसर था, उस प्रोफेसर को मैंने सुबह वो से शाम तक जब पूरा ब्यौरा पूछा तो उसमें एक हेतु मुझे, वह हेतु ऐसे मिला कि वो जब भी खाना खाता था तो पूरा न्यूज़पेपर 10 पन्ने का पूरा न्यूज़पेपर खाना खाते समय पूरा पढ़ने की उसे आदत थी। तब जाकर के मुझे पता चला कि ये एक हेतु क्यों नहीं हो सकता है। फिर और जाकर के डिटेल्स में पूछा कि आपको तकलीफ कब होती है, तब जाकर के बोला कि खाना खाने के 2-3 घंटे बाद में ऐसे बहुत तकलीफ होती है और सीने में दर्द होता है। तब जाकर के पता चला कि एक विदग्धा जीर्ण, सिंपली विदग्धा जीर्ण इसको हो सकता है। तो विदग्धा जीर्ण के कारण भी सीने में दर्द, जैसे गैसेस होते हैं, आगमन होता है, आटोप होता है, जिसका परिणाम जो है सीने में दर्द होने में हो सकता था। अब मुझे ये कन्फर्म हो गया कि ये खाना खाते समय यदि ये पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि शास्त्र में लिखा है अजीर्ण के अध्याय में, खाना खाते समय कोई भी व्यवहार न करे, नाइदर यू शुड वॉच द TV नॉर यू शुड अटेंड मोबाइल। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वज कहते थे कि खाना खाते समय बिल्कुल पूरे ध्यान से हमको खाना चाहिए। यह जो हेतु है, अब सबसे यहाँ पे बड़ी परीक्षा मेरी खुद की ही थी। अब यह फिजिक्स का आदमी, अभी इसे मैं कहूँ कि आपका न्यूज़पेपर आपको पढ़ना नहीं चाहिए, तो वो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर सकता था कि सर इसका कोई फिजिक लॉजिक है क्या कि मैं नहीं पढूं, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं। तो इस लॉजिक को अब मुझे हटाना था, तो यहाँ पे युक्ति प्रमाण को हमको
करना पड़ेगा। तो युक्ति प्रमाण क्या था? अब ये न्यूज़पेपर को मुझे हटाना था तो दूसरा एक कार्य उसको जोड़ दिया कि जो देखो आपको जो है ये सब दर्द है कम हो सकता है, आपको एक काम करना होगा कि रोज की 10 पुड़िया खाना खाते समय सुबह और 10 खाना खाते समय शाम को, हर 2 निवाले के बाद में आपको एक एक पुड़ी जो है आपको गर्म पानी के साथ लेनी है। देखो मित्रों इसमें 2 चीज़ें हो गई है, जब ये पूड़ी खोलेगा और गर्म पानी अजीर्ण का काम भी जो है गर्म पानी अपना अजीर्ण को हटाएगा, एक पहली बात। दूसरी बात जब पेपर पढ़ता है या तो न्यूज़पेपर पढ़ता है तब अपना पूरा ध्यान जो है पूरा मन वहाँ पर आकर्षित होता है जिसके कारण अजीर्ण का एक हेतु बनता है। इस हेतु को मुझे बाहर निकालना था तो मैंने एक एक पुड़िया जो है हर 2 निवाले के बाद में एक एक पुड़िया खोल करके उनको पाचक के रूप में कुछ दवाई दे दिया। 21 दिन के बाद ऐसे पता चला कि वो 21 दिन के बाद में वो बच्चे बताने को आ गया, सर अभी तो मुझे पहले जो 10 दिन दवाई ली 11वें दिन से तो मेरी जो है सीने का दर्द बहुत सारा कम हो गया। मित्रों तो ये युक्ति प्रमाण बड़ा महत्व का है, ऐसे युक्ति हर वैद्य को हमको खुद को करना चाहिए। उसका एक मुख्य कारण बताता हूँ, युक्ति ढूंढना सबसे बड़ा महत्व का काम इसलिए है और युक्ति से आपको चिकित्सा करना है उसका महत्व का कारण यह है कि कोई तो भी विशेष हेतु अलग होता है, इस हेतु को ढूंढने के लिए सुबह से शाम तक वो रुग्ण क्या कर रहा है इसको आपको जानना बड़ा जरूरी है। इसलिए यहाँ पर यह अजीर्ण को हटाने के बाद में अच्छे से, तो आज करीब करीब उसको 23 साल हो गए कभी भी उनको तकलीफ नहीं हुई। फिर बोले एक महीने के बाद में, फिर मैंने बोला यार एक महीने में ये अच्छा ये 5,000 रुपये में आदमी ठीक हो गया, ऐसे कैसे चले गए, जहाँ तक कि उसने 1,50,000 रुपये तो पहले खर्चा कर चुका है। लेकिन फिर भी दो मैंने उनको कहा कि नहीं आपको ये दवाई, उनको ये नहीं बताया कि पुड़िया से कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, पेपर हटने से आपका फायदा है यह 2 महीने के बाद में उसको समझाया। आप यदि फिर से इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आपको फिर से ये तकलीफ चालू हो सकती है। यह एक उदाहरण आप सभी के लिए मिसाल बनेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरा एक केस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक व्यक्ति तो वंध्यत्व की केस है। हमारे एक गुरु जी थे DT कुलकर्णी सर करके, उनके बच्चे 3 साल हो गए शादी के, डॉक्टर साहब 3 साल हो गए शादी के अभी तक के कोई भी पॉजिटिव हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि भैया आपने सब रिपोर्ट्स वगैरह चेक किए? तो बोले सारे रिपोर्ट्स, मित्रों सारे रिपोर्ट जो है ना वो नॉर्मल थे। अब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो रहा है पेशेंट, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है इसको ढूंढने का मैंने प्रयास किया। तो कोई तो भी अलग विशेष रूप से जो हेतु होता है उसको हमको ढूंढना बड़ा जरूरी होता है। तो यह हेतु क्या हो सकता है? तो शास्त्र के अंदर यज्ञपुरुषि अध्याय में कहा गया है कि सौ मनस्यम गर्भधारणा नाम, इस सूत्र को हम लोग यदि अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो यह सूत्र बड़ा अपने को अच्छी तरह से हम लाभ देता है। तो मैंने पूरा पूछा कि भाई आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो? तब वो दोनों ने बताया कि हम दोनों जो IT सेक्टर में काम करते हैं, बीबी सुबह जो है हम लोग 6 बजे उठते हैं और मिस्टर जो है वो सुबह 8 बजे जाते हैं और मैं जो है 10 बजे यहाँ से जाती हूँ, घर से निकलती हूँ, और शाम को हम दोनों जो है करीब करीब 9-10 बजे हम लौटते हैं। लेकिन लौटने के बाद में IT सेक्टर में होने के बाद रात को कभी भी, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो अब्रॉड फॉरेन से जुड़ी हुई है, अमेरिका से जुड़ी हुई है, वहाँ पे उनको यह सब ब्यौरा भेजना पड़ता है। तो कभी भी जब भी बॉस हमको कहे तब हमको यह ब्यौरा जो है रात को कभी भी उठ करके इनको भेजना पड़ता है। तो देखो ये एक हेतु है, यहाँ इन्हों का शादी तो की लेकिन सबसे पहले इन्होंने शादी किससे की? तो अपने IT सेक्टर से की, और दूसरी जो है सर्विस के साथ में की। जिसके लिए शादी कर की वह शादी जो है सौ मनस्यम, जो मन जो है यदि उत्तम नहीं रहेगा तो अपना कार्य नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में सौ मनस्यम गर्भधारणा नाम यह जो सूत्र कहा है
इसके लिए दोनों का मन अच्छा रखना जरूरी था। अब सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, खान पान भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि भाई हाँ आपको लाभ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन आपको परहेज रखना पड़ेगा। हाँ बोले सर हम रखेंगे परहेज। तो भाई देखो आपको रोज़ की जो है ना 16 पूड़ियाँ खानी है, सुबह की पूड़ी जो गर्म पानी के साथ लेनी है, उसके एक घंटे के बाद में जो है दूध के साथ में लेना है, फिर उसके एक घंटे के बाद में जो है फिर से गर्म पानी के साथ लेना है, फिर और एक घंटे के बाद में जो है आपको काढ़ा बना के ये पूड़ी लेना है, ऐसे करके पूरा दिन जो है दिन भर पूरा दिन सारा दिन जो है उनको करने का कार्यक्रम उनको वहाँ पर दोनों के लिए कहा। क्योंकि जिनके लिए इन्होंने शादी की थी, जिसके लिए अपने को जो है लड़का होना चाहिए या लड़की होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, हम लोगों को कंसीव होना चाहिए, उन जो उनके लिए मन ही इनका स्वस्थ नहीं था, तो साहब बोले ये सब करने ये सब इतनी सारी चीज़ें करना है तो इनके लिए तो छुट्टी लेना पड़ेगी। मन क्या वो पता नहीं आपको, आप तो ऑफिस में लो या कैसे भी करो, लेकिन आपको करना दोनों को तो एक ही बात है कि ये रोज़ की 16 पूड़ियाँ आपको सुबह से शाम तक खानी है, इस ढंग से खानी है मित्रों। तो उन्होंने जो है कि वहाँ पर उन्होंने जो एक महीने की छुट्टी ली, आपको ताजुब होगा 15 दिन में ही फोन आ गया कि सर अभी जो है कि शायद कंसीव हुई होंगी ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि जो एमसी 8 दिन में आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई। मैंने फिर कहा कि यूपीटी कर लो, पर यूपीटी से पता चल जाएगा, और यूपीटी किया तो यूपीटी पॉजिटिव आया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हेतु, तो हेतु क्या था, देखो जो किताब में ये सब सारी चीज़ें नहीं लिखी मिलेगी आपको, इसके लिए आपको खुद को अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि वहाँ पे चलानी होगी। ऐसा यदि आप सोचते हैं तब ही जा कर के शास्त्र को लेकर, शास्त्र को आधार मानकर आपको इस बारे में बात करना पड़ेगी, और उसी युक्ति के साथ में रुग्णों को वैसे आपका उपचार करना पड़ेगा। यह सबसे बढ़िया युक्ति है, प्रमाण जो है ये सबसे बढ़िया बताया गया है। तीसरा एक आपको मैं इसके साथ में एक उदाहरण देता हूँ तीसरे केस के बारे में, जो अन्य शास्त्र नहीं मानते हैं, अन्य शास्त्र मैंने एलोपैथिक शास्त्र नहीं मानता है, कि एक दो पेशेंट ऐसे थे जिनके अंदर गर्भ विकृतियाँ मिली। एक पेशेंट के साथ में तो हर दो, जब जब भी बच्चे पैदा होते थे वो हर दो महीने के बाद में मृतप्राय होते थे और उनको सुनाई देता नहीं था। तब जाकर के उन्होंने क्रोमोजोम टेस्ट करवाया, क्रोमोजोम टेस्ट करने के बाद में पता चला कि वाई क्रोमोजोम आपका डिफेक्टिव है, और बॉम्बे से ये टेस्ट किया गया था। वाई क्रोमोजोम डिफेक्ट होने के बाद में आपको जो है ये लड़के ऐसे ही पैदा होंगे, उन्होंने ऐसे लेबलाइज्ड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे जलगांव में सारे, यहाँ पे माहौल जो है जलगांव में बहुत अच्छा माहौल है, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों इस तरह से बातें करते रहते हैं, तो लोग एक दूसरे के पास में बेचते रहते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो ऐसे सारी केसेस वो डील करते हैं, आप उनके पास में जाओ, यदि वो कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो मैंने ये, इसके लिए हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, गर्भोत्पादक भाव, ये जो इंद्रिय विकृति मिली हमको, ये इंद्रिय विकृति कहाँ से प्राप्त होती है, तो इंद्रियों की विकृति जो है वो आत्मा से, इंद्रिय की उत्पत्ति जो है मूलतः आत्मा से होती है। अभी आत्मा कहाँ रहता है, तो आत्मा जो है फिर से मन से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन हम यदि उनको पहले ही उनका मन विकृत कर देंगे कि आपको बच्चे नहीं होंगे अच्छे, तो फिर तकलीफ वाली बात है। सारे पंचकर्म करने के बाद उन्होंने पूरे उनको काउंसलिंग करना, यहाँ पे सबसे बड़ी महत्व की बात है काउंसलिंग, और उसके बाद में आपको पता है कि ये बाधिर की केस है कि गर्भ बाधिर जन्य, तो वहाँ पर हमको घृतपान का प्रयोग करना पड़ेगा। घृतम पित्त अनिल अरम रसो शुक्रो जसा हितम, ऐसा कहा है। तो ओज को अच्छा करने वाला है तो घृत है, तो मन को अच्छा करने वाला भी घृत है। उनको 1.5 साल तक पंचकर्म से अच्छा शुद्धि करने के बाद में घृत का प्रयोग किया दोनों को, और उनके बाद में कंसीव रहे। मित्रों आश्चर्य की बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिन्होंने मेरे पास में केस भेजी थी उन्हीं के, उसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में ही इनकी डिलीवरी करी, और आज उसको 18 साल हो गए, वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, और पहले दिन से ही उनको सुनाई दिया।
तो यहाँ पे गर्भोत्पादक भाव जो षट भाव बताए गर्भोत्पादक, इनका हमको अभ्यास करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। इसलिए इंद्रियजन्य विकृतियाँ जितनी भी है, इसके लिए हमको काउंसिलिंग करना बड़ा जरूरी है। चौथी एक केस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो है हेतु। कई बार हम लोग ढूंढते ढूंढते लेकिन हमको हेतु ही नहीं मिल पाता। और ENT स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ दो तीन जो थे कि वो जब जो स्टोमेटाइटिस वाले केसेस जो है ठीक नहीं होते, सारे टेस्ट कर लेते हैं कि भाई कैंसर तो नहीं, इसे और कुछ बीमारी तो नहीं, ट्यूबरकुलर तो नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सब तो रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन इसका जो है ये स्टोमेटाइटिस जा नहीं रहा है, तो आप आयुर्वेदिक ढंग से इनको जरा सोचिए और बताइए तो हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपने यहाँ भी सारे लोग स्टोमेटाइटिस मुखापाक को ट्रीट करते हैं, 99% अपने दवाई से पेशेंट ठीक होता ही है स्टोमेटाइटिस मतलब मुखापाक का। लेकिन जब सर्वसरा नाम का व्याधि होता है, वहाँ पर एक हेतु अलग से अभी मुझे ढूंढने में मिला, वो है सोडियम लॉरिल सल्फेट। जितने भी सारे पेस्ट है, उन सारे पेस्ट के अंदर सोडियम लॉरिल सल्फेट जो है ऐड होता है। और वो सोडियम लॉरिल सल्फेट करता क्या है, सोडियम लॉरिल सल्फेट जो टूथपेस्ट को झाग देने में काम लाते हैं। जैसे कि ये झाग लेने का काम जो है सोडियम लॉरिल सल्फेट का है, जितने भी सोप है, जितने भी सारे सोप्स है, वो सारे सोप के अंदर सोडियम लॉरिल सल्फेट नाम का एक तत्व होता है, वो तत्व डाला जाता है, ये केमिकल डालते हैं, ये केमिकल से ही उनको झाग आता है। मित्रों, तो ये सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं हम लोग, मैंने पहले दो चार पेशेंट में ऐसे कहा कि भाई आप एक काम करो, आप टूथपेस्ट बंद करो, आप ये जो हमारा मंजन है ये मंजन को यूज़ करो। फिर जैसे भी वो टूथपेस्ट बंद करते हैं तो 15 दिन में जो है मुखपाक हट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ढंग से यदि हम हेतु ढूंढे, नए नए हेतु इस जमाने में जो सारी चीज़ें किताब में लिखी मिली है, सारी चीज़ें जो है आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा इस लेक्चर के द्वारा मैं आपको सभी वैद्यों को यह प्रेरित करना चाहता हूँ कि जितने भी रुग्ण को आप उनके लिए आप थोड़ा समय निकालें। विशेष समय इनके लिए निकालना है जो रुग्ण ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। एक एक दो दो घंटे तक रुग्णों को हेतु ढूंढने के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा। और हेतु ढूंढना एक कई बार क्या, तो आप क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है साहब एक ही दिन में पता चल जाएगा हेतु। मित्रों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको भी ट्राई करना पड़ता है। कई बार 3 सीटिंग 2 सीटिंग 4 सीटिंग के बाद में आपका दिमाग चल सकता है, लेकिन वो दिमाग कब चलेगा, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर, आपका खुद का विश्वास आयुर्वेद के ऊपर हो, तब जा करके भगवान धन्वंतरी आपके साथ में रहेंगे और वह आपको सूचित करेंगे कि यह हेतु हो सकता है। ऐसे वक्त आपको उसके अंदर आपको ये हेतु ढूंढना बड़ा जरूरी। क्वेश्चन यह हो सकता है कि खाली मुखपाक में ही सोडियम लॉरिल सल्फेट ये हेतु हो सकता है क्या? नहीं मित्रों, सोडियम लॉरिल सल्फेट आप यदि गूगल पे डाल के देखोगे कितना डेंजरस है, इसको आप समझेंगे तब जा करके पता चलेगा। एक मेरे मित्र है गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर राणे करके, उनकी सांस, उन्होंने कहा एक साल के बाद में उन्होंने उनके सांस को मेरे पास में भेजा, डॉक्टर साहब एक देखो हमने तो बहुत सारे एंटीबायोटिक वगैरह खिला दिए, बहुत सारे हो गया, लेकिन इनकी खांसी जो है ना जा नहीं रही है। फिर मेरे दिमाग में उसी ढंग से मैंने बड़े गारंटी से कह दिया, सर आप सब थक गए होंगे तो मैं पक्का मैं बताता हूँ कि मैं इनको ठीक कर सकता हूँ। तो खांसी, केवल कास यह लक्षण, और केवल सोडियम लॉरिल सल्फेट को हटाने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। आज उनको 8 साल हो गए, अभी तक के कोई भी तकलीफ उनसे हुई नहीं है। इसका मतलब यह है कि तो हेतु के अंदर हमारा खान पान क्या है, आज के इस योग में, इस दौर पे कौन से हेतु हो सकते हैं, इनको हर एक को अपने को लिखना जरूरी है। केवल लिख करके मतलब नहीं है, तो सारे लोगों के अंदर, सारे वैद्य गणों के अंदर हमको प्रसारित करना भी उतना ही जरूरी है। ये तो इसके बाद में मैं कंफर्म हो गया था
कि सारे यूनिटी को बता दिया, सर अभी एक काम करो, आप जो है जितने भी पेशेंट है वो मेरे पास में भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल इनका यह टूथपेस्ट यदि बंद कर देते हो और बंद करने के बाद में रुग्ण यदि ठीक हो जाता है तो मेरे पास में भेजने की जरूरत नहीं, और उसके बावजूद यदि नहीं ठीक हो रहा है तब जाकर के मेरे पास में भेजो, तो फिर मैं और अलग ढंग से उनको सोच करके मैं ये सब सारी चीज़ें बता सकता हूँ। मित्रों, आप सभी लोगों ने मुझे बड़े शांति से प्यार से सुना है और बहुत सारी हेतु हम बता सकते हैं। मुख्यतः मेरे प्रैक्टिस के अंदर मुख्यतः आप सभी को मैं सूचना देना चाहता हूँ, इससे प्रेरित करना चाहता हूँ यहाँ कि जितने भी बालक है जो दो महीने से मतलब दो साल तक के जितने भी बालक है जो दुख केवल माता के दुग्ध के ऊपर अवलंबित रहते हैं, ऐसे सारों के लिए दुष्ट स्तन्यजन्य व्याधि होते हैं। और मैंने पूरे 40-45-37-48 साल के अंदर सारे दुष्ट स्तन्यजन्य व्याधियाँ जो है वो केवल करेक्शन करने से, दुष्ट स्तन्य के करेक्शन करने से ठीक हुए। उसके अंदर श्वास है, उसके अंदर त्वक दुष्टि है, जिसके अंदर अतिसार है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा कि उसका दुष्ट स्तन्य कफजन्य दुष्ट है, वात दूषित है, पित्त दूषित है या द्वंद्वज है, इसको आपको जो स्तन्य परीक्षा कही है वो स्तन्य परीक्षा आप सब लोग करें। इसी के साथ में मैं मेरा जो है ये प्रवचन मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुन लिया, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर जो है गजेंद्र डहरवाल जी ने यहाँ पर किया है कि रीनल डिसऑर्डर में कुछ हेतु पर प्रकाश डाले। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको सबको मैं यहाँ इस लेक्चर के द्वारा आपको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि सारे जितने भी रीनल डिसऑर्डर्स हैं उसमें से 60-70% रीनल डिसऑर्डर जो है वो मुख्यतः दवाई मतलब गर्भविषजन्य है। जो दवाई हम लोग यूज़ करते हैं, जो मुख्यतः एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत सारी है कि जिसके अंदर रीनल डिसऑर्डर्स के मुख्य कारण होते हैं। फॉर एग्जांपल, कई सारे मरीज अपने खुद के मन से ही एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, पेन किलर यूज़ करते हैं, ये पेन किलर लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं और जिसका फलस्वरूप बहुत सारे रीनल डिसऑर्डर होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि गर्भविषजन्य व्याधियों को आपको आज यह आज का दिन जो है गर्भविष पे बोलने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि इस गर्भविष को चैप्टर को यदि अच्छे से समझ ले तो आपको समझ में आएगा कि गर्भविष क्या होता है। तो जो भी कुछ दवाइयाँ है वो विकृत रूप में शरीर में कार्य करती है, तब जाकर के बहुत सारे रीनल डिसऑर्डर अबाउट 60-70% जो है रीनल डिसऑर्डर्स यह गर्भविषजन्य है। अतः मैं सबसे विनंती करूंगा कि आपके पूरे चिकित्सा क्रम के अंदर हेतु ढूंढने में गर्भविष तो कहीं नहीं है ना, इसको भी आपको देखना जरूरी है। धन्यवाद गजेंद्र डहरवाल जी। सर, गुजराती सिरिंज के बारे में कुछ बतलाएं। गुजराती सिरिंज के बारे में श्री सुमित श्रीवास्तव जी बात कर रहे हैं कि गुजराती सिरिंज वेरी सिंपल है सर। ये गुजराती सिरिंज तो कुछ मतलब मेरी खुद की कोई सिरिंज नहीं है वैसे देखा जाए, लेकिन 1999 में हमने यहाँ पर जो एक वर्कशॉप किया था, वर्कशॉप के अंदर इस गुजराती सिरिंज का हमने वहाँ पे प्रयोग बताया था। गुजराती सिरिंज जो 5 cc 10 cc जो जितने भी प्लास्टिक सिरिंज या ग्लास सिरिंज है, वो ग्लास सिरिंज का अपर टॉप जो है उसको इक्वल रूप में कट करना है आपको, और कट करने के बाद में पिस्टन को जहाँ से हम लोग पिस्टन निकालते हैं उस पिस्टन को उसी जगह से उल्टी तरह से उसको जहाँ से कट किया है वहाँ से पिस्टन को अंदर डाले और प्रच्छन्न करना है। जहाँ पर भी आपको रक्तमोक्षण करना है उस एरिया को वहाँ पर सुपरफिशियली प्रच्छन्न करें। प्रच्छन्न करने के बाद में वो सिरिंज को उल्टा लगा करके नीचे का उल्टा का सरफेस जो नीचे रखेंगे तो पिस्टन खींचने के बाद में वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम क्रिएशन होने से बाद में वहाँ से ब्लड आना चालू होगा। यह सबसे बड़ा अच्छा पर्याय किसका है तो श्रृंग है और अलाबू है।
श्रृंग और अलाबु का सबसे बढ़िया पर्याय जो है वह गुजराती सिरिंज है। धन्यवाद। व्हाट इज ट्रीटमेंट फॉर स्कैल्प्स और रैशेस इन आयुर्वेदा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मानसी नाइक इन्होंने कहा, व्हाट इज ट्रीटमेंट सो फार एज द स्कैल्प सोरियासिस इज इन आयुर्वेद। स्कैल्प सोरियासिस बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे निर्माण किया है। स्कैल्प सोरियासिस यह हम लोग कह रहे हैं, लेकिन इट इज वन सॉर्ट ऑफ द दारुणक, और दारुणक यह व्याधि यदि हम यदि उसको ध्यान में लेते हैं तो वहाँ पर कफ पित्त और वात ये तीनों दोषों का सारे जितने भी कुष्ठजन्य व्याधि है सारों के अंदर तीनों दोषों का प्रकोप होता है। और मुख्यतः हेतु के अंदर यदि हम देखेंगे तो आजकल जितने भी व्याधि है वो रात को खाने से होते हैं, और अधिकांश उसमें हेतु आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप खाना कितने बजे खाते हो, खाना खाते हो तो कब कितने बजे खाने के बाद में आपको क्या खाना ज़्यादा पसंद है, इसको आपको ये हेतु को आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये हेतु को निदानम परिवर्जयेत, इस हेतु को आपको सबसे पहले दूर करना पड़ेगा, और दूर करने के बाद फिर आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी, फिर वो शोधनार्ह है या शमनार्ह है यह आपको समझना पड़ेगा। यदि वो शोधनार्ह है तो आपको वमन करना होगा, फिर विरेचन करना पड़ेगा, और विरेचन के बाद में जो है आपको रक्तमोक्षण भी इस काल परिजन पे भी यदि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ पे आप गुजराती सिरिंज मेथड भी से भी रक्तमोक्षण कर सकते हैं, जलों का अवचरण कर सकते हैं, श्रृंगावचरण कर सकते हैं। यह करने से वो बहुत शीघ्रतः स्काल्प सोरियासिस जो आप कह रहे हैं वो ठीक हो सकता है। आपको यहाँ पर मैं गुजराती सीरीज आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे यह पिस्टन जो है पिस्टन को यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ ऊपर का जो टॉप है इसको कट करना है, कट करने के बाद में इसी जगह से आपको यह पिस्टन ऐसे उल्टे से डालना है, यहाँ तक ऐसे डालने के बाद में यह पिस्टन यह जो जो भी कुछ सरफेस अफेक्टेड पार्ट है वहाँ से इंसिजन लेकर के ऐसे रखेंगे, और यह पिस्टन जो है ऐसे धीरे धीरे खींचना है तो वैक्यूम क्रिएट होगा। यह वैक्यूम क्रिएट होने से यह दोष जो है बहुत जल्दी निकलते हैं, और आप मल्टीपल टाइम्स भी इसका यूज कर सकते हैं रक्तमोक्षण के तौर पर। धन्यवाद। आजकल बहुत सारे लोग निमेश पटेल, शायद निमेश पटेल अहमदाबाद से होना चाहिए, सर आज का बहुत ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, और वो लोग मिल्क पाउडर स्टार्ट करके न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। बहुत ये बहुत सामान्य मतलब सामान्यतः ये अपने को देखने को मिलता है कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए फीडिंग जो है तो उसका मुख्य कारण क्या, यह रस धातु स्तन जो है रस धातु का उपधातु है, तो स्तन अच्छा अधिक मात्रा में आने के लिए हम लोग सबसे पहले एक विरेचन कर लेना चाहिए। तो क्या होगा विरेचन और वमन करने से, विरेचन मुख्यतः क्या होता है तो आप एरंडी का तेल कैस्टर ऑयल दे करके उसके बाद में आप यदि कुछ ड्रग मतलब स्तन वृद्धिजन्य ड्रग्स आप दे सकते हैं, तो वो स्तन वृद्धिजन्य ड्रग्स क्या है तो तृण पंचमूल क्वाथ के साथ में दुग्ध को मिलाकर इस तृण पंचमूल युक्त दुग्ध का आहार यदि हम सेवन करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एरंडी का तेल मतलब कैस्टर कारण है एरंड तैल सूक्ष्मम स्रोतो विशोधनम त्वचम वृष्यम मधुरम विपाकम, यह है वृक्ष है मधुर विपाकी है, और सारे स्रोतस को सूक्ष्म होने के स्रोतस सारे स्रोतस को हटा के दोषों को हटाने के लिए उत्तम कार्य करने वाला क्या है तो एरंडी का तेल है।
तो इसलिए एरंडी का तेल का आप प्रयोग करेंगे, विरेचन देंगे, उसके बाद में तृण पंचमूल युक्त सिद्ध दुग्ध का प्रयोग करेंगे, अग्निवर्धक चिकित्सा करेंगे, दीपन पाचन करेंगे, चित्रका दिवटी का आप प्रयोग करेंगे, तब जा करके तो दूध अच्छे आता है, यह हमारा अनुभव है आज तक का। सुरेश सैनी, आपसे हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपके पास आकर 16 साल हो गए। अच्छा, ये कभी तो भी सुरेश सैनी जी मेरे आए होंगे, उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बोले सुन लिया। बाधीर्य और कर्णनाद के हेतु एंड ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बताया, जितने भी अपर रेस्पिरेटरी मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी व्याधियां है उसमें मुख्य कारण क्या है, तो रात को देर रात तक जगना, लेट खाना खाना, रात को सोते समय पानी पीने की आदत होती है, जितने भी कर्णगत व्याधियां है इनमें आपको एक मुख्य हेतु जरूर मिलेगा। रात को सोते समय बहुत पानी पीते हैं, वो मुख्यतः कर्ण शूल या कर्णजन्य व्याधि जो है जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। और दूसरी बात जो है वो है एसी, बहुत ज़्यादा प्रमाण में एसी का यूज़ करते हैं उन लोगों को कर्णगत व्याधियाँ अधिक मात्रा में मिलती है। यहाँ पे किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि स्वयंचलित बस्ती यंत्र के बारे में आप हमें बताइए। आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये पेटेंट हो चुका है, ऐसे टोटल 3 पेटेंट हो चुके हैं। पहला पैटर्न जो है ऑटो एनिमा ऑपरेटस, दिस इज ऑटो एनिमा ऑपरेटस, है ना। यह सिंपल जो है ये अपने जो है ये कंटेनर है और ये सलाइन का बॉटल है, इसको यहाँ पर के आप यदि इतना भरकर मतलब 500-600 ml यह निरूह द्रव्य आप यदि डालते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, ये गुदा के अंदर 2-3 इंच तक यह जो कैथेटर है अंदर प्रवेशित करना है, लेफ्ट लैटरल पोजिशन के बाद में आपको खाली जो है यह दबाना है, तो ये सारा द्रव्य जो है अंदर रेक्टम के अंदर जाता है। तो इसलिए इसमें दो चीज़ें के महत्व इसमें इसलिए है कि इसमें न तो आपको बस्ती दाता दोष मिलेगा, न तो बस्ती पुटक दोष मिलेगा, न बस्ती यंत्र दोष मिलेगा और न बस्ती नेत्र दोष मिलेगा। यह सबसे इसलिए यह बस्ती यंत्र ज़्यादा महत्व का है। दूसरा है धूपन यंत्र, वो धूपन यंत्र भी इसी तरह का है, अभी मेरे पास में नहीं है लेकिन मैं आपको पोस्ट कर सकता हूँ, कभी भी आप कभी भी पूछें। तो अभी यह धूपन यंत्र से क्या हो चुका है कि अभी ये पिछले 5 साल के अंदर 8 केसेस, करीब करीब 8 केसेस जो एम्पूट करने के थे, जो डायबिटिक थे और एम्पूटेशन के लिए तैयारी में थे, सारे लोगों के एम्पूटेशन बच गए धूपन करने से। केवल धूपन यह चिकित्सा व्यवहार्य आज तक नहीं थी, उसका मुख्य कारण यह था धूपन द्रव्य तो पता है, योनि धूपन करना है, कर्ण धूपन करना है, नासा धूपन करना है, हर्ष धूपन करना है, रक्षोग्न धूपन करना है। आज के कोरोना के जमाने में हम सभी लोग को धूपन और धूम्रपान ये दोनों भी करना जरूरी है, क्योंकि ये है जामनगर में के ऑल दिस फ्यूम्स आर हैविंग द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज। तो ये धूपन कितना महत्व का है, कभी कभी समय मिला तो केवल धूपन के ऊपर बात करेंगे हम लोग, और आपको 7-8 केसेस जो कैसे ठीक हुए उसके अंदर ये सारे केसेस का प्रेजेंटेशन हम बताएंगे। तो ये धूपन यंत्र जो है बड़ा सरल है, यह पल से 2 पाइप्स जो है, पाइप के 2 कैप्स है आप देख रहे हो, एक पाइप जो वेस्ट पाइप है, ये वेस्ट पाइप, ये एक तरफ एक कैप लगा दिया है, दूसरी तरफ एक दूसरी कैप लगा है। ये दूसरी कैप के अंदर आप बीच में यदि देखोगे तो ये होल्डर है, सिगार होल्डर, जो धूमवर्ती यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं जला करके ये धूमवर्ती यदि जलाओ उसको धूमवर्ती जला करके यदि यहाँ पर प्लेस करते हैं तो आप जा करके आपको इसमें से ये देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, ये धूमवर्ती यहाँ पर प्लेस करना है। ये जैसे प्लेस करोगे आप तो
और बस्ती वाला जो बटन चालू कर ये जो ऑटोमेटिक ये धूपन यंत्र ये आप वस्त्र धूपन कर सकते हैं, वस्त्रागार धूपन कर सकते हैं, कुमारागार धूपन कर सकते हैं इस ढंग से, और जितने भी अफेक्टेड एरियाज है जैसे फॉर बेड सोर्स वगैरह सारों के लिए ये धूपन बहुत अच्छा कार्य करता है। और इस धूपन से सबसे बड़ा महत्व का स्राव कम हो जाता है और वेदना भी कम होती है। इस ढंग से इसको ये धूपन आप पूरे और इससे आप धूम्रपान भी कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों भी कार्य एक ही द्रव्य एक ही यंत्र से कर सकते हैं। इसका आविष्कार हो चुका है, इसका पेटेंट पिछले 3 साल पहले हम लोगों को यहाँ पे मिला है, और 4th पेटेंट जो है वो नैनो निरुआ जेल। अभी आप लोगों को कोई झंझट करनी नहीं है कि निरुआ का काढ़ा कैसे बनाना है, फिर काढ़ा बनाने के बाद में उसमें कितना द्रव्य मिलाना है वगैरह, कोई नहीं। हम वातग्न निरुआ जेल हमने एक जेल के रूप में 20 ml 20 cc जेल में हमको उसको हमने उन लोगों उसको कन्वर्ट कर दिया है, और वो रेडीमेड है, रेडी टू यूज है। विद इन नो टाइम्स आप 2 सेकंड के अंदर जो है आप निरुह कंप्लीट तैयार कर सकते हो और निरुह बस्ती दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खोज आप सब लोग भी कर सकते हैं, और मैं सबसे विनती करूंगा आप सब लोग इसके जरिए आप अपना अपनी बुद्धिमत्ता को आगे लाइए और आयुर्वेद को बढ़ाइए, यह मैं निवेदन करता हूँ। हो सकता है नहीं, होता ही है। धूप यहाँ पे सुमित श्रीवास्तव ने कहा है कि सर ये धूपन यंत्र कोरोना काल में बहुत उपयोगी हो सकता है। हो सकता नहीं यूज कर रहे, जैसे कि डेंगू था, चिकनगुनिया थे, स्वाइन फ्लू था, तभी जाकर के हमने सबको मतलब एक समय में ये धूपन किया है पूरे पूरे देश में, हमारे पूरे मतलब जितने भी दवाखाने हैं, जितने भी क्लिनिक्स हैं, सब लोगों ने वहां पर किया मिलता है। यह आपके सामने ये 20 cc वाला यह जेल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 20 cc जेल कंप्लीटली कन्वर्ट जेल ऑफ निरुआ, यह जेल ये पूरे डिकॉक्शन को जो है हमको जेल के हाउ टू कन्वर्ट इनटू द जेल फॉर्म यह पेटेंट लिया। ये प्रोसेस पेटेंट, इसको कहते हैं प्रोसेस पेटेंट। आप किसी को भी पेटेंट के बारे में भी पूछना हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि पेटेंट क्या होता है, पेटेंट कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, एटसेट्रा। धन्यवाद। हाँ फिनिश करो।